हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक पैरा जंबल, और एक रियल पैरा जंबल मैंने लिया है बैंकिंग एग्जाम का। और इसमें मैं कुछ आपको गोल्डन ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से बैंकिंग के, एसएससी के और दूसरे से भी एग्जाम्स के पैरा जंबल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को, इस पैरा जंबल क्वेश्चन को। देखिए, एक ये रियल पैराजम्बल क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये पैराजम्बल आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये IDBI बैंक में पूछा गया है। रियल पैराजम्बल है और इसमें 5 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। नॉर्मली 5 सेंटेंस होते हैं, लेकिन कभी कभी 6 या 7 सेंटेंस भी होते हैं, तो उस सिचुएशन में पैराजम्बल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं और अपने बेसिक्स को सही रखते हैं, तो आप पैराजंबल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पैराजंबल जो है, कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि पैराजंबल कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है। ये कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट नहीं है, ये आपका लॉजिकल एक्सरसाइज है। ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी का टेस्ट है कि किस तरीके से आप लॉजिक को इस्टेब्लिश करते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे सेंटेंसेस को पूरा पूरा पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस का अर्थ निकालने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा इसको लॉजिकली आपको इस्टेब्लिश करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABCD यानी 5 सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस आपस में जम्बल्ड अप हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आप बना सकें। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस या टाइटल सेंटेंस को ढूंढना है, और टाइटल सेंटेंस को निकालने के लिए आपको ऐसे सभी सेंटेंसेस को एलिमिनेट करना है, हटाना है, जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक मान सकते हैं, एक लॉजिक मान सकते हैं कि सबसे पहले नाउन आता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए, कि पहले नाउन आएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आएगा। जैसे पहले राम या श्याम आएगा, उसके बाद ही या शी आएगा। तो ही हुआ, शी हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में भी प्रोनाउन है, जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं विद दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, तो यहां पर दिस जो है ये एक प्रोनाउन है। अब यहां पर हम बोल रहे हैं विद विद दिस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, मतलब इस कंटिन्यूअस इंटरवेंशन के साथ। कौन से कंटिन्यूअस इंटरवेंशन के साथ, वो इसमें नहीं बताया है। वो इसमें इसलिए नहीं बताया है क्योंकि उसका मेंशन पहले कहीं पर आया होगा, तो इसलिए दिस वाला जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, ये किसी नाउन का रिप्लेसमेंट है। तो हम आसानी से सेंटेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ये मानते हुए कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसमें दिस दिया है, इसमें देखिए दिस दिया है, दिस इन्फ्लुएंस, ये वाला इन्फ्लुएंस, इसका मतलब कौन सा इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि पहले आ चुका है कहीं पर। अब देखिए, फाइनली ये कॉमन सेंस अप्रोच है कि फाइनली से हम किसी भी पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये फर्स्ट नहीं हो सकते। अब देखिए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ये एक टाइटल है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, इसमें हम एक टाइटल की बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है। इसमें अगेन दिस दिया है, तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बन सकता। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि डी जो होगा ये फर्स्ट सेंटेंस इसमें बनेगा। अब आपको यहां से लिंक लेना है, ठीक है। लिंक आप कैसे लेंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा फ्रेज जो यहां पर दिया है, डी में दिया है, और उसी का मेंशन किसी दूसरे सेंटेंस में दिया है, तो डेफिनेटली वो लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। जैसे इसको आप पढ़ते हैं, यदि सेंटेंस को, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इज ए प्रोग्राम दैट एम्स एट इंक्रीजिंग सेफ्टी ड्यूरिंग रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स। इसमें हम बिहेवियर ऑफ ड्राइवर की पहले हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर ऑफ ड्राइवर को, ड्राइवर्स को, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए दो कंफ्यूजन होंगे यहां पर। इसके बाद एक तो ये वाला सेंटेंस आ सकता है बी, और एक ये आ सकता है ई, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस की बात करी गई है बी में। लेकिन ई में देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन, ये दिस इज बे दिस किसके लिए आया है, ये दिस आया है प्रोग्राम के लिए। यहां पर ये जो नाउन है प्रोग्राम, ये इसको रिप्लेस करने के लिए ये दिस आया है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर,
देखिए इसमें एक कॉमन वर्ड आया है, बिहेवियर ऑफ ड्राइवर। तो पहले हम बिहेवियर ऑफ ड्राइवर की बात करेंगे, उसके बाद हम उसके उसके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो डी के बाद ई को लगाना ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिहेवियर ऑफ ड्राइवर की बात करी, उसके बाद हम इन्फ्लुएंस को ले सकते हैं कि दिस इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसके बाद हम बी को ले सकते हैं, डी ई बी। अब सी चूंकि फाइनली है तो सी को हम सबसे एंड में लेंगे। अब इसके बाद क्या बचा? अब इसके बाद केवल ए ही बचा। तो देखिए यहां पर मैं किस तरीके से लॉजिक को एस्टेब्लिश कर रहा हूं। मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसके वर्ड मीनिंग नहीं पढ़े, उसका अर्थ नहीं निकाला, केवल लॉजिक को मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से पैराजंबल को किया जाता है। इसका आंसर डी ई बी ए सी सही होगा, और ये एक रियल पैराजंबल है, रियल बैंकिंग एग्जाम पैराजंबल है, ये आईडीबीआई बैंक में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए लिया है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए लॉजिकल जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहते हैं, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, चाहे पीक्यूआरएस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, चाहे या 7 सेंटेंस हो, आपको इस तरीके से एक पैराजंबल को आपको करना है। और इसके बेस पर फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आसानी से आप आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा इसमें, तो इसमें आप डी ई बी ए सी यानी ई जो है ये सेकेंड सेंटेंस होगा, तो ये आंसर होगा इसका। तो ऐसे आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड सेंटेंस बी होगा, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट सेंटेंस डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, डी ई बी ए सी, सी होगा लास्ट सेंटेंस, तो आपका आंसर होगा फिफ्थ, ठीक है। और फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ होगा आपका ए, तो इसमें आपका आंसर होगा फिफ्थ। तो ऐसे आपको इन पैराजंबल को आपको करना होता है। और बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस में और अपलोड करूंगा इस चैनल पर, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और इसमें जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, क्लोज टेस्ट हैं, फिलर्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सभी तरह के वीडियो क्लासेस में अपलोड करूंगा इसमें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो क्लासेस इसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।